मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। नरेश चौहान ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि भाजपा ने पहले डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को बड़ी चालाकी से छुपाया और अब सत्ता खोने के बाद भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं से भ्रामक प्रचार बंद करने को कहा। नरेश चौहान ने कहा कि मनरेगा कामगारों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों से पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही वंचित कर दिया गया था और इस संबंध में बाकायदा अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसी तरह मनरेगा कामगारों को नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने का फैसला भी पूर्व भाजपा सरकार के वक्त हुआ था। उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर लोगों को भाजपा नेताओं द्वारा गुमराह करने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं को सलाह दी कि वे काल्पनिक सोच से बाहर निकले और जनादेश को स्वीकार करते हुए रचनात्मक कार्य करने के प्रयास करें।